हाउ मच लिक्विड इज इन द रेसिपी तो रेसिपी में कितना वाटर है सॉरी uh, वाटर कह रही हूँ कितना लिक्विड है टोटल तो ये हमें फाइंड आउट करना है एक तो मेथड आपको सिखाया था कि होल को होल में ऐड कर दें लाइक थिंग्स कैन बी एड इड टू प्लस वन थ्री एक वन फोर्थ को हाफ में ऐड किया हाफ और वन फोर्थ देखिए हाफ ये है और वन फोर्थ मीन्स इतना पार्ट तो इन दोनों को मिला दे तो क्या हो गया यहाँ पे मैंने इसको मिला रही हूँ मर्ज कर रही हूँ तो थ्री फोर्थ कितना आ गया बेटा थ्री फोर्थ ये आपको ऑब्जर्वेशन से बताया है इसको करने का तरीका फ्रैक्शन को ऐड करना है तो लाइक like में कन्वर्ट करना पड़ेगा फोर इज द एलसीएम बिकॉज फोर इज ऑल्सो द मल्टीपल ऑफ टू तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जनरेट कर लेते हैं एलसीएम के इक्वल बनाते हैं हम तो हमने डिनोमिनेटर को टू को कितने से मल्टीप्लाई करके फोर हो जाए टू से तो ऊपर भी सेम से करना पड़ेगा तो टू अपॉन फोर विल बी द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैविंग डिनोमिनेटर फोर तो अब इसको ऐड करेंगे थ्री प्लस थ्री बाय फोर ये आगे आंसर क्लियर है आगे चलेंगे बेटा वन मोर एग्जाम्पल फ्रॉम योर बुक रोहन एट वन फोर्थ केक ये आपको शो किया हुआ है ऑन मंडे हाफ केक ऑन ट्यूजडे हाफ भी शो किया है आपको यहां से क्लियर है अभी भी मैंने इस तरह का एग्जाम्पल लिया था हाफ और इसको मर्ज कर दे तो थ्री फोर्थ तो फ्रैक्शन ऑफ केक इटन ऑन मंडे इटन ऑन ट्यूसडे टोटल इटर्न तो इस तरह से आप जो पहले भी करते थे सिर्फ यहाँ फ़र्क इतना ही ये फ्रैक्शनल नंबर है वो होल थे वन मोर एग्जाम्पल पिलर फारूक का ट्रेनिंग फोर आ फाइव के रन के वर्ड इज हैज़ बिन यूज इन फेसबुक यूट्यूब फॉर लाइक्स एंड के से शो होता है के मीन्स थाउजेंड यहाँ पे के का जो मीनिंग कंसिडर किया जाता है रन किलोमीटर वाला वो रनिंग करते हैं उसकी ट्रेनिंग कर रहे हैं ऑन रिसेंट संडे दे बहुत कम्पलीटेड आर रन उन्होंने रिसेंट संडे को अभी जो संडे था उसमें एक रन रेस लगाई है फारूक रैन सेवन एट माइल और पिलर रैन थ्री फोर्थ माइल हाउ मच फादर दि फारूक रैन दैन पिलर तो देखिए फार फार दर फार देश दिज आर द डिग्री ऑफ़ फार एडजेक्टिव डिग्री यूज़ किस लिए होती है बेटा कंपेरिज़न के लिए यहाँ ये सेकेंड डिग्री है दो के बीच में जब कंपेरिजन होती है यानी uh, फारूक ने कितना ज़्यादा रन किया पिलर से हमें इतना पता है फारूक ने ही ज़्यादा रन किया है तो अब अब हम क्या करें <laughs> यानी हमें कंपैरिजन जब है सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा कितना ज्यादा किया है ये पूछा है तो जितना उसका अगर उसमें से निकाल दे जो एक्स्ट्रा है वो उसने ज्यादा उतना रन किया है तो उसके लिए हम उसको निकालने के लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे टेकिंग अवे मीन सब्ट्रैक्शन और फ्रैक्शन के केस में सब्टन कब की जाएगी वेन वी विल कन्वर्ट इन

अब हम इजीली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं बिकॉज नाउ फ्रैक्शंस आर इन लाइक फ्रैक्शन फॉर्म सो सेवन माइन माइनस सिक्स वन वन अपॉन एट इज द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन डिफरेंस दैट फारूक रन मोर देन पिलर तो फारूक ने वन एट्थ माइल ज्यादा रनिंग की है क्लियर है आगे चलेंगे नाउ लेट स्टार्ट वर्कशीट फाइव सो लेट सी दोल्यूशन ऑफ पार्टे अंजलि स्पेंट वन फिफ्थ ऑफ आर पॉकेट मनी ऑन कॉमिक्स थ्री फोर्थ ऑन स्वीट्स यहाँ बेटा इतना ही डिफरेंस है पहले जब आपका जो स्टेटमेंट हम होते थे उसमें आपको होल नंबर गिवन होता है यहाँ फ्रैक्शनल नंबर गिवन है तो इतना इतना उसने पॉकेट मनी का पार्ट यूज़ किया है आपसे पूछा गया हाउ मच ऑफ आर पॉकेट मनी डिड सी स्पेंड ऑल टुगेदर तो टोटल मिला के कितनी पॉकेट मनी उसकी स्पेंड हो गई कितना पार्ट यूज़ हो गया तो देखिए सी यहीं से स्टेटमेंट क्लियर है स्पेंड ऑन कॉमिक्स इतना वन फिफ्थ स्पेंट ऑन स्वीट्स इतना टोटल स्पेंड टोटल के लिए यहाँ से एक और चीज़ क्लियर है कि फाइव और फोर सेम कॉमन टेबल में नहीं आते तो सेम टेबल से डिविजिबल नहीं है तो स्माइली वर्क करेगी तो ईजी हो जाता है हमारा टास्क फोर वन इज़ फोर फाइव थ्री इज़ फिफ्टीन और डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा फाइव फोर इज़ ट्वेंटी तो फिफ्टीन प्लस फोर नाइनटीन अपॉन ट्वेंटी इज द आंसर देख लेते हैं बिना स्माइली के लिए मजाक नहीं करें तो कितना कैसे करेंगे वन फिफ्थ थ्री फोर्थ ऐड किया फाइव फोर का एलसीएम सी ट्वेंटी क्योंकि दोनों किसी कॉमन टेबल से डिवाइड नहीं हो रहे तो दोनों से मल्टीप्लाई करके ही एलसीएम आएगा फाइव फोर्थ ट्वेंटी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में जनरेट करके ऊपर आ गया फिफ्टीन और फोर फिफ्टीन प्लस फोर नाइनटीन अपॉन ट्वेंटी क्लियर है आगे चलेंगे अ हाई जम्प कॉन्टेस्ट रमेश जम्ड थ्री इज टू एट बाई नाइन मीटर राकेश जम्पोर इज टू वन थर्ड मीटर तो हु जम्प मोर हमें यहीं से क्लियर है ये थ्री मीटर समथिंग लगाया इसने फोर मीटर समथिंग फोर बिगर है तो आ, राकेश जम्प्ट मोर किसने जम्प किया राकेश राकेश जम्ड मोर देन रमेश कितना हाउ मच मोर कितना तो वो निकालने के लिए हमें उसमें से अगर हम जिसका ज्यादा उसमें से हम स्मॉलर वाला निकाल दें पार्ट तो क्या बच जाएगा जितना ज्यादा किया है तो उसके लिए यानी सब्ट्रैक्शन करना है तो राकेश जम्ट फोर इज टू वन थर्ड मीटर रमेश जम्ट थ्री इज टू एट बाय नाइन मीटर और वन मेथड क्या है होल में से होल सब्ट्रैक्ट कर दे फोर में से थ्री वन और वन बाय थ्री में से एट बाई नाइन मीटर दूसरा हम नॉर्मल बना के लाइक uh, like में कन्वर्ट करके सब करें तो देखिए दोनों मेथड आपको बताए जा रहे हैं इसको हमें दिख रहा है नाइन इज द एलसीएम क्यों क्योंकि ये थ्री का भी मल्टीपल है अब थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे थ्री वन इज थ्री थ्री माइनस एट नॉट पॉसिबल क्योंकि एट जो है बिगर है थ्री से तो आप क्या करें वन से वन को भी इसमें ऐड कर लेते हैं 1 को लेकिन ऐसे तो ऐड नहीं कर सकते ये होल नंबर है ये mix, ये मिक्स फ्रैक्शनल नंबर है इसका फ्रैक्शन कर देते हैं वन को नाइन पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो नाइन बन गए थ्री पहले से ही है नाइन प्लस थ्री ट्वेल्व में से एट सब्ट्रैक्ट हो सकता है तो क्या आ जाएगा फोर अपॉन नाइन द आंसर क्लियर है देख लेते हैं दूसरे उससे